रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां रिश्ते के भाई ने ही 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना उस वक्त हुई जब परिजन बच्ची को लेकर देर रात खेत में काम करने पहुंचे थे। परिजन धान की फसल ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे। देर रात होने के चलते बच्ची को नींद लगी, जिसके बाद परिजनों ने ट्रैक्टर से करीब 60 मीटर की दूरी पर बच्ची को सुला दिया। तभी रिश्ते का भाई भी नशे की हालत में काम करने खेत पहुंच गया। कुछ देर तक परिजनों के साथ काम करने के बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं नाबालिग और अबोध बच्चियों के साथ हो रही दुष्कर्म की वारदातें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चियों के साथ घट रही घिनौनी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विकृत मानसिकता के लोग उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार मानकर उनके साथ दुराचार करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिले के जनेह थाना क्षेत्र से, जहाँ पर एक मासूम बच्ची को अपने शिकार बनाकर एक आरोपी ने कांड कर दिया। 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ उसके रिश्ते के भाई ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना उस वक्त हुई जब बुधवार की देर रात 6 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों के साथ खेत गई थी। परिजन खेत में धान की फसल ट्रैक्टर पर लोड कर रहे थे। देर रात होने के चलते बच्ची को नींद आ गई, जिसके बाद उसे के परिजनों ने उसे ट्रैक्टर से करीब 60 मीटर की दूरी पर सुलाकर वापस अपने काम पर जुट गए। देर रात बच्ची के रिश्ते का भाई भी नशे की हालत में काम करने खेत पर गया पहुंचा। काफ़ी देर बच्ची के परिजनों के साथ खेत में काम करने के बाद वह जाकर बच्ची के बगल में सो गया। पिता जब अपनी बच्ची को देखने पहुंचे तो आरोपी उस बच्ची के समीप ही सो रहा था। आरोपी के नापाक इरादों से अनजान बच्ची का पिता उसे रिश्ते का भाई मानकर वापस लौट गया। कुछ देर बाद अचानक बच्ची की चीख परिजनों ने सुनी और दौड़ते हुए जब वह उसके पास पहुँच गए, उस दौरान वहां बच्ची की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। घटना से गुस्साए बच्ची के परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उसे थाने ले आई। गुरुवार को बच्ची के परिजन जनेह थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ में जुटी है। 17 तारीख की रात की बात है। इसके बच्ची के माता पिता दोनों खेत में, जो घर उसके घर से 500 मीटर दूरी पे खेत है, वहाँ पर धान लोड कर रहे थे। उसी समय बच्ची अपने पास में लगे महुआ के पेड़ के पास में प्यारा बच्चा हुआ था, उसमें रजाई उड़ के सो रहे थे अपने भाई बहन के साथ में। उसी समय उनका पड़ोसी आरोपी जो है वो आके उसके साथ सो गया वहाँ पर। करीब रात में 12:30 बजे के आसपास बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ आई तो माँ बाप ने जाके देखा तो वो उसकी स्थिति इस तरह की थी, कपड़े अपड़े हटे हुए थे। तो माँ बाप ने दोनों ने उससे पूछा कि तू क्या कर रहा था ये, तो वो वहाँ से चला गया आरोपी। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट की थाने में आके, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया, बच्ची ठीक है और आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको अभी जेल भेजने की प्रक्रिया चालू है। हाँ, वो करीब उसकी 45 वर्ष के आसपास उम्र है और रिश्ते का भाई भी लगता है, पड़ोसी भी उनका। IAS MPPSC व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।